ये है दिल्ली दर्पण। मेरा आधार कार्ड बन गया है बिना कोई दिक्कत के। शुक्ला जी को धन्यवाद। नमस्कार, दिल्ली दर्पण टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पुनीत गुप्ता। किराड़ी में इस वक्त मौजूद हैं बाहरी जिला का जो जिला कार्यालय है वहां पर। ये जो लोगों की आप भीड़ देख सकते हैं उसका कारण ये है कि कई दिनों से यहां पे आधार कार्ड का जो कैंप है उसका आयोजन किया जा रहा है और यहां पे कई लोग हैं जो इसका लाभ उठाने के लिए यहां पहुंचे हैं। और जिला अध्यक्ष बजरंग शुक्ला जी मेरे साथ हैं, उनसे इस बारे में बात करते हैं। अनुमान था कि इतनी संख्या में लोग आपके पास पहुंचेंगे? इतना अनुमान तो नहीं था, लेकिन जिस तरीके से लोगों को यहाँ सहूलियत मिल रही है, उनका काम हो रहा है और आधार ऐसी चीज़ है जो इनके हर चीज़ में, हर काम में, स्कूल का एडमिशन हो, अस्पताल का हो या फिर कोई डॉक्यूमेंट्स बनाना हो, तो एक बहुत बड़ी समस्या है। और इस समस्या को लेकर के मुझे नहीं पता कि किस तरीके से दिल्ली सरकार और विधायक इतने लंबे समय से काम कर रहे हैं, लेकिन इतने आज पाँचवा दिन है कैंप का, लेकिन उतने ही लोग आए जा रहे हैं। फिर उनके लिए आधार कार्ड की व्यवस्था करना एक बड़ी चुनौती है, लेकिन हम उसको कर रहे हैं। अपने माध्यम से व्यवस्था कराई है और लोगों को इसका लाभ भी मिल रहा है, बहुत सारे लोगों का बन भी रहा है, बहुत सारे लोगों के एड्रेस प्रूफ में, फ़ोन नंबर में, डेट ऑफ बर्थ में सारी बहुत सारी कमियां हैं, उनको हम दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। और साथ में नए लोगों के पहचान पत्र, मुफ्त पहचान पत्र, वैसे आधार कार्ड जहाँ पे बन रहे हैं वहाँ 300-400 लगता है, लेकिन यहाँ पे सरकारी दर जो भी है उस पे काम हो रहा है। पहचान पत्र जो है हम बिल्कुल फ्री आप कास्ट भरवा रहे हैं, आप देखो काउंटर लगा हुआ है, कि जो है लोगों को सहूलियत हो। यहाँ पे थोड़ा सा डाउन रोडन से लोग हैं, उनके लिए 100-200 भी बड़ी बात है, तो वो एक तो उनका यहीं पर काम हो जा रहा है। आधार कार्ड के लिए उनको कंझावला जाना है या फिर मुबारकपुर जाना है पहचान पत्र के लिए, बहुत धक्के खाते थे, उन सब चीज़ों की सुविधा हो रही है। और आज से हम ई श्रम कार्ड को भी फ्री ऑफ कॉस्ट, ई श्रम कार्ड की भी व्यवस्था करवा रहे हैं, तो ये क्षेत्र के लोगों के लिए प्रयास कर रहे हैं कि उनको सहूलियतें मिले और उनकी ज़रूरत की चीज़ें उनके दरवाजे पर उपलब्ध हों। आज वैसे वर्किंग डे है, छुट्टी वाला दिन तो है नहीं, मगर फिर भी लोग, ज़्यादा लोग आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं लग रहा है कि ये जो चीज़ें पहले हो जानी चाहिए थी, आधार कार्ड तो एक ऐसी चीज़ है जो पहले लोगों को मिल जानी चाहिए, बहुत सारे लोग वंचित अभी भी किराड़ी के। देखो, ये काम दिल्ली सरकार का है, तो दिल्ली सरकार को चाहिए कि ये मूलभूत आवश्यकता हो गई आज आधार कार्ड, उसको जो है वो सबको उपलब्ध कराए। लेकिन मुझे लग रहा है कि भी क्षेत्र के विधायक को जरा से भी इन सब चीज़ों की परवाह नहीं है कि लोगों को मिले, तो सरकारी चीज़ों जो करना चाहिए उसको हम लोग कर रहे हैं। लेकिन ठीक है, हम सहूलियत दे रहे हैं लोगों को, अगर सरकार नहीं दे पाएगी तो हम प्रयास करेंगे देने के लिए। पीछे भी हमने 2 महीने पहले कैंप लगवाया था, काफ़ी बड़ी संख्या में लोगों के भरे थे, आज फिर ज़रूरत को देखते हुए 24-29 तक का लगाया था, लेकिन बहुत बड़ी संख्या में हुए, तो मैंने फिर SDM DM से अनुरोध करके इसको 2 दिन और एक्सटेंड करवाया है, 30 और 31 को भी करवाएंगे, जिसमें 31 तारीख को मात्र 5 साल से छोटे बच्चों को जो है, जो आंगनबाड़ी में बनना चाहिए वो आंगनबाड़ी में नहीं बन पा रहा, ये दिल्ली सरकार का फेलियर है कि आंगनबाड़ी में 5 साल से नीचे बच्चों का जो है आधार कार्ड बनना चाहिए लेकिन वो नहीं बना पा रहे, तो उनके लिए भी हमने 31 तारीख को रखा है कि छोटे बच्चे जो रहेंगे वो केवल छोटे बच्चों का उस दिन हम उनको बहुत अच्छी सुविधा के साथ उनका आधार कार्ड बनवाएंगे। इन सब चीज़ों को रोकने के लिए हमने, हमारे और भी कार्यकर्ता लगे हुए हैं, वो 5ों विधानसभा में अलग अलग कार्यकर्ता लगा रखे हैं, वो काम कर रहे हैं कि लोगों को उनके घर पर, उनके आसपास, ज़्यादा दूर ना जाना पड़े, सहूलियत मिले और फ्री ऑफ कॉस्ट मिले, वो ये व्यवस्था हमने करा है। कब से शुरू हो जाएगा श्रम कार्ड का? श्रम कार्ड का शुरू हो गया, वो मैडम बैठी हुई हैं, वो काम शुरू कर दिया उन्होंने, आज करना, आज एक है, कल हो सकता है 2 हो जाएँ और 3 हो जाएँ, तो ये काम भी चलता रहेगा साथ साथ। क्या चाहिए होता है श्रम कार्ड, क्योंकि जो लोग देख रहे हैं अगर आप से यहाँ पर आए तो क्या चीज़ें चाहिए होती है श्रम कार्ड बनवाने के लिए? जो भी डॉक्यूमेंट्स है, मुझे भी ज़्यादा नहीं पता, वो मैडम बताएंगी, और सभी लोग अपना डॉक्यूमेंट्स लेकर आ रहे हैं, उनकी जो त्रुटियाँ थोड़ी बहुत है उनको भी ठीक करके प्रयास ये कर रहे हैं कि कोई भी वापस ना जाए, उसका काम हो जाए और यहीं पर हो जाए, तो उससे क्या बहुत बड़ी सहूलियत होगी। और आज क्षेत्र को इन चीज़ों की आवश्यकता है,
हजारों हजार लोग जिस तरीके से लाइन लग रही सवेरे से, तो कोई ऐसे ही नहीं आ रहा, उसकी ज़रूरत है जब वो लाइन में लग रहा है। इन चीज़ों की जरूरत पूरे करने का जो काम है वो दिल्ली सरकार का है, लेकिन दिल्ली सरकार और उनके विधायक नहीं काम कर पा रहे, उनका कोई जन सरोकार है नहीं, तो इसलिए हमें भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को ये काम करना पड़ रहा है। और हमारे कार्यकर्ता हर जगह अलग अलग इसका उज्ज्वला योजना के कैंप और इस तरीके से सारी सुविधाएँ जो लोगों को मिल सके इसके लिए काम कर रहे हैं। एक अनुमान लगाए कि देखा जाए कि अगर कॉस्टिंग की वैल्यू लगाए कि एक आधार कार्ड का जब बनवाते व्यक्ति और श्रम कार्ड, तो कितना रुपया आप बचा के एक व्यक्ति को दे रहे हैं? अब आधार कार्ड आप जनरल किसी पे चले जाओ, कोई भी 300-350-400 से नीचे का नहीं लेता, उसके बाद भी वो जो है बन के आएगा या नहीं आएगा उसकी कोई गारंटी नहीं होती है। वो इनका बच रहा है, जो सरकारी चार्जेस है 50 रुपये या 100 रुपये जो भी इनका खर्चा होगा वो ले रहे होंगे, तो उनकी एक कार्ड में कम से कम 300 रुपये की 300-400 की बचत हुई। ई श्रम कार्ड भी जो भरते हैं बाहर जाके वो 100 रुपये में भरते हैं। पहचान पत्र तो बनाने के लिए कई बार जो है 300-400 रुपये ले लेते हैं। तो इस तरीके से लोगों के काफ़ी बचत हो रही है और सबसे बड़ी समय की बचत हो रही है। कंझावला जाते थे लोग रात को लाइन में लगाते थे 4 बजे से लेकर के, अब वो कंझावला का आना जाना बचा है, यहाँ पास में इनको सहूलियत मिल रही है। ये 2 दिन और रहेगा कैंप यहाँ पर, और जिस तरीके से लोगों की आप भीड़ देख सकते हैं कि लगता है कि यहाँ पर जो सुविधा है उसकी जरूरत है यहाँ पर लोगों को। और आप भी इस तरह का कोई आधार कार्ड का फ़ायदा लेना चाहते हैं या फिर ई श्रम कार्ड बनवाना चाहते हैं तो आप यहाँ पर आ सकते हैं, जिला कार्यालय सबको मालूम ही है यहाँ पर, और इस चीज़ का फायदा जरूर उठाएं। दिल्ली NCR की बाकी तमाम खबरों के लिए आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण TV। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.dailydarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर